सबसे पहले मतलब यूट्यूबर में आई है जिया जी, और आए तो हमने ब्लॉग ही नहीं शूट किया था क्योंकि हमारा मूड बहुत खराब था। सब लोग बोल रहे हैं हाथ लगा, शादी में ठीक है। पूजा ज्यादा परेशान कर रहा था, वो कॉल पे कॉल आ रहा था। मैंने बोला जब आए हैं तो खाना खा के जाइए। ऐसे के बाद मैं भी सो के उठ गई हूँ, काफी देर से सोई हूँ, काफी देर से उठी हूँ, तो मैं आप लोग को कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए गेट वगैरह सज गया है। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि साफ़ भाई और जिया जी आ गए हैं, और यहाँ पे बाबू के बर्थडे से पहले कल सब लोग आए हैं। और देखो अब सुंदर लग रहा है ना जी, मैं ऐसे ही बोल रही थी। ये देखो अच्छा सज गया ना। चलो ये पूरा पूरा बिल्डिंग ही सजवा देंगे हम लोग। Hey guys, welcome back to Kitto Vlogs YouTube channel। तो हमारे घर में देखो सबसे पहले मतलब यूट्यूबर में आई है जिया जी, और आए तो हमने ब्लॉग ही नहीं शूट किया था क्योंकि हमारा मूड बहुत खराब था। तुम्हारे घर में आए हैं सब, तुम्हारा मूड खराब। हमारा मूड खराब इसलिए था कि बता रहे, पहले बात सुना करो तब बोला करो। मेरा मूड, मेरा ब्लॉग मतलब मेरा मूड इसलिए खराब था। आई तो बैग वगैरह खाली हाथ आई, मतलब बैग वग लेके ही नहीं आई, रख के आई अपने दीदी के घर। जब हमने अच्छा, बुलाया है तो हमारे घर रहना चाहिए था ना। ये आ करके टिकी हैं अपने दीदी के घर, बताइए गलत बात है कि नहीं। कल आएंगी, वो भी कर रही है ना, बस खाली मैं सज के आऊंगी और फिर चली जाऊंगी, फिर आऊंगी फिर जाऊंगी, ये कोई बात नहीं होता है। तो हम लोग यहीं रहेंगे, हाँ पूरा टाइम रहना। बताओ ना जब आएगी, मेरे पास मोबाइल लेकर सर मोबाइल लेकर चले। हाँ ये अगर आपको इमरजेंसी में आना जाना हो ना तो स्कूटी है मेरी, आप ले लीजिएगा, ठीक है। और गाइस सबसे बड़ी बात की मेरे पास फोन था, ये भी नहीं थे, हम लोगों ने ब्लॉग ही नहीं शूट किया, इन्होंने भी ज्यादा शूट नहीं किया है ना। बिजी रहे तो फोन कर देंगे, सासुर भाई स्कूटी लेकर आ जाइए। तो हम आप ये लोग मत सोचना कि हमने वेलकम वगैरह ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो जरूरी नहीं कि हर समय आप लोग को ब्लॉग शूट करके दिखाएं, ऐसा होता है कभी कभी। तो आप लोग ये भी कहोगे कि अरे भला आप लोग ब्लॉग नहीं शूट करोगे, ये फोन ही नहीं तो शूट कहाँ करेंगे। फल क्योंकि फल से सुबह पूजा होना है, क्योंकि ब्लॉग शूट उसके करते हैं जिसके व्यूज बहुत आते हैं, हमारे व्यूज नहीं आते, हमारे सब्सक्राइबर कम है ना। हम कुछ भी डाल लेंगे, मेरा ज्यादा मेरा ना कभी कभी महीने में हमारा ना कभी कभी वीडियो चल जाता है, कभी कभी चलता है, मेरा डेली वीडियो नहीं चलता है, उनका तो चलो चल जाते हैं, लेकिन मेरे चैनल का कभी कभी लोग सोचते हैं कि किट्टो पागल है, कुछ भी वीडियो बनाती रहती है, तो हम पागल ही सही है भाई। और इधर चल रहा है जी फंक्शन की, हमें तो कहते हैं तुम जाओ मेरे क्लास में, फोन करना पड़ रहा है। अरे जिसका फंक्शन होता है वही जानता है यार, बहुत भाई का जो है कुछ परेशानी दो तीन। A few moments later तो यहाँ से सासुर भाई अब चले गए, खाना खा नहीं रहे थे, मैंने जबरदस्ती खिलाया खाना क्योंकि उनका बेटा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, वो कॉल पे कॉल आ रहा था। मैंने बोला जब आए हैं तो खाना खा के जाइए, ऐसे मत जाइए, और पूरी जिम्मेदारी वंदना दी निभाई। अगर वंदना दी सच में तुम भी कल सबकी तरह तुम भी कल आती ना तो मेरा क्या होता, मैं तो थक जाती सभी में। देखो यहाँ पर फिर मैं पूरी तरह बना लिए थे, अभी इनके गेस्ट आ रहे हैं 1 बजे रात, उनके लिए मैं व्यवस्था कर रही हूँ। उनके लिए अभी हम लोग जाग ही रहे हैं, तो रात को भी आ जाएंगे वो भी। तो वंदना दी रोटी खत्म हो गया था क्योंकि गर्मा गर्म खाया जाता है हमारे यहाँ, तो गर्म वो सब्जी भी गर्म सब्जी, तो चलो कभी कभी जैसे जल्दी रोटी बना के सिर्फ 5 मिनट लपेट के रख दे रहे हैं, सब्जी गर्म कर देना और क्या। अभी भी अब इतना टाइम हो गया, सुबह भी उठना है, सुबह पूजा वगैरह है, तो सब कुछ तैयारी भी करना तो है। तो अभी चलते हैं, पहले बाबू का व्यवस्था हम कर लेते हैं, जो हटाना बनाना हटा बढ़ाना हटा हटा रहे भाई, पहले पहले ये देना तो ये देना जी। हाँ यार बाबू का पानी गर्म करके इसमें डाल देना, ये कौन खाते हैं ना, प्लेट रखे हैं, हाँ प्लेट नहीं रखना है, चलो तुम रखे हो नहीं तो सब रखा है सर। अच्छा खाते यहाँ नहीं रखना है सफाई कर देते इधर ना, चार धुल दे हम और क्या, सब चार धुलते सुबह 10 बजे तक आएगी तो नहीं नहीं सुबह आ जाएगी 7 बजे हो, मैंने उसको बोल दिया है, हमारे पहले तुम मेरे यहाँ होगी फिर हर जगह जाना। मास्क हटा लो, क्या करना है, अब यही चाटो क्योंकि साफ ऑन कर देंगे।
यहाँ पे चालू हो रहा है। पहले बाबू का ये सब हम कर लेंगे, पहले हम इसको वहाँ रखते हैं क्योंकि ज़रूरत अभी यहाँ की है ना। इसको यहाँ पे रख दी मैं। ये क्या है, इसको सब धुल रोटियाँ रखोगी ना आएंगी। हाँ तो सिलो फाइव मिले बैठे कोई दिक्कत नहीं है। कैसा बना था कुछ कपड़ी सब्जी? अच्छा सारी क्योंकि ये क्या है निमोना रखो मास्क रखो कुछ भी दी मैंने पर्थले वाला कटे तुम लोग निकाल के लेंगे। ये छोटा सा बाउल सबका ट्रेन लेट है। जब सचिन भाई क्या इतना बड़ा फंक्शन चला तब ट्रेन नहीं लेट हो रहा था, जबकि ना अब ठंडी भी नहीं है तो भी लेट है। इसमें क्या है और रिफाइन पलट दो ना, पलट दो रिफाइन पूरा बहरा दिए तुम तो। अरे वो अपने आप उस दिन सब्जी लेकर बनाए हैं, दाल भी किसी को नहीं दी। पहले ये सब हटा हटा देते हैं। कौन रुक के खाना खाएगा तो ड्राइवर की वो सब ड्राइवर बाबू का कांच का बोतल था ना। हाँ हाँ तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में, हम मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद सारा सफाई करने के बाद। A few moments later. गुड मॉर्निंग वंदना दी। तुम्हारा चप्पल कहाँ है पिंक वाला? वो ले लेना और ये वाला ले लो। ये सोफा ही रखोगे क्या? सोफा ही रहेगा क्या? सोफा ये मान लो कोई आएगा किसी में बैठा रहेगा और पूरा लग जाएगा ना भाई। अच्छा तो ये सब सारा चीजें हटेगा और ये, मैं ये कह रही थी ये कहाँ लगेगा ये पहले पहले जो कारपेट पहले तुम उसको बुलाओ फूल वाले को। जा रहा हूँ मैं, फूल वाले को लेके आना पड़ेगा। बोलो चलो पहले घर से जाना है पूजा रहेगा। ये हटा ये कौन हटा दिया ऐसे? नहीं वो भी सामान रख रहे थे। अच्छा ये भी बिछा ही देना। तो अभी तो हटा दो झाड़ू पोछा हो जाएगा जब सूख इसके ऊपर वो बिछा देंगे चादर। हाँ मैं बाहर रखने दो। ठीक है तो सारा झाड़ू कर दो। 8:10 हो रहा है और उसके बाद मैं भी सो के उठ गई हूँ। काफ़ी देर से सोई हूँ, काफ़ी देर से उठी हूँ तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये सब घर सारा झाड़ू उड़ू लगेगा अच्छे से क्लीन होगा, फिर ऊपर झाड़ू पोछा लगेगा। और हमने इनका टेंशन दूर कर दिया था कि मैंने रात को ही सारा बर्तन वगैरह धुल दिया था, नहीं तो आज होगा हल्का सा। नहीं बस एक आपने जो पानी पिया है सुबह सुबह वो है और जो प्रवीण चाय पिया वो है वो है जिसमें वो है ना छोटा सा ये मंदिर का भी चाकर मंदिर में झाड़ू पोछा होगा ना चप्पल निकाल देते हैं। तो गाइज चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस ब्लॉग को एंड कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।